हे गाइस, दिस इज़ तृप्ति फ्रॉम यामी केक्स। सो आज मैं आपको वेज चॉकलेट केक सिखाने वाली हूँ जिसमें एक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सो इसके लिए हम लोगों ने 200 ग्राम कॉन्डेंस मिल्क लिया है एंड 50 ग्राम बटर लिया है यहाँ पे। ओके, सो इसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हैंड ब्लेंडर होगा ना आपके पास इस टाइप का, सो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो हैंड ब्लेंडर से आपको मिक्स करना है। देन यहाँ पे वैनिला फ्लेवर दे दिया है, या फिर आप लोग चॉकलेट फ्लेवर भी दे सकते हो और वैनिला एसेंस। देन यहाँ पे 1/4 कप मेल्टेड डार्क चॉकलेट दिया है, मेल्टेड डार्क चॉकलेट जो आपको मिल जाएगा मार्केट में इजीली। देन इसको फिर से मिक्स कर लीजिए। देन ये लिक्विड पार्ट हो गया, अभी ड्राई पार्ट। अभी इसमें हम लोग 90 ग्राम मैदा दिया है, मेज़रमेंट का ध्यान रखना, 90 ग्राम मैदा दिया है। देन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। ओके, देन 2 टीस्पून यहाँ पे कोकोआ पाउडर दे दिया है। अभी हो गया ड्राई पार्ट, अभी इसको छान लेना है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, इसको हैंड ब्लेंडर से फिर से ये ड्राई पार्ट को लिक्विड से मिक्स करना है। और अगर जो पार्ट आपका ड्राई हो जाएगा ना, उसको लिक्विड करने के लिए यहाँ पे हम लोग सोडा वाटर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दूध या फिर जो प्लेन वाटर है वो नहीं जाएगा, सोडा वाटर डालना है। सो इसका रीज़न क्या है, आपका जो फ्लफीनेस है ना वो बहुत अच्छे से होगा। सो हो गया अभी डन। सो अभी मैंने इस टाइप का पैन लिया है जो ओपन हो जाता है, आप लोग कोई भी ले सकते हो। सो इसमें आपका इजी होता है थोड़ा। सो इसमें मैंने बटर ग्रीस कर लिया है। ओके, सो इसमें भी आपको बटर ग्रीस करना है, देख लो। देन अभी इसमें जो हम लोग ये ओपन वाला होता है ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें आपका नीचे से निकल जाता है। सो इसमें हम लोग मैदा से फिर से ग्रीस करेंगे इसके ऊपर। देन इसमें थोड़ा नीचे का साइड जो है ना, इसमें हम लोग थोड़ा बटर पेपर दे देंगे, नीचे का जो साइड है साइड में, ताकि निकल ना जाए नीचे से, थोड़ा सा बटर पेपर दे देंगे। और अगर ओपन वाला नहीं है ना, डायरेक्ट आपका आप लोगों का जो मोल्ड है वो है, तो आप लोगों को वो बटर पेपर देने का ज़रूरत भी नहीं है। देन अभी ये देखो, अभी देन 40 मिनट्स आप लोगों को बेक करना है। देन कितना अच्छे से आया है देखो, थोड़ा भी ब्रेक नहीं हुआ है मिडिल से, बहुत अच्छे से आया है। और इसको चेक करना है मिडिल में ये स्टिक डाल के कि कच्चा है या नहीं। अगर देखो ये प्लेन आ गया, कुछ भी गीला गीला नहीं है, इट मीन्स ये हो गया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।